हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, व्हाट्सएप में तीन बड़े नए अपडेट आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल, काफ़ी कमाल का अपडेट है हर एक व्हाट्सएप यूज़र के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये जो अपडेट है बीटा वर्जन वालों को मिल चुका है, फीचर्स मिल चुका है। अभी जो नॉर्मल व्हाट्सएप यूज़र है उनको 1 से 2 वीक में मिल जाएगा। खासकर वो लोग जो व्हाट्सएप पर पर्सनल चैटिंग करते हैं या जिनके में ग्रुप ज़्यादा है, उनके लिए ये तीन अपडेट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। जैसे कि दोस्तों, आप लोग चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे मैं ऑनलाइन रहूं, किसी को मेरा ऑनलाइन शो ना हो या कुछ एक दो बंदे को ऑनलाइन शो ना हो, ये फीचर से दोस्तों अपडेट आया है व्हाट्सएप के अंदर। तो चलिए जानते हैं पहला अपडेट क्या है। दोस्तों ये जो पहला अपडेट है, देखिए ये जो फर्स्ट अपडेट है दोस्तों, खासकर उनके लिए ज्यादा यूजफुल है जो अपना ऑनलाइन छुपाना चाहते हैं। जैसे कि मैं ऑनलाइन हूं, मैं अपने दोस्त या गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा हूं, बट मैं नहीं चाहता हूं कि जो मेरा ऑनलाइन जो लिखा हुआ है वो किसी को और को शो करे कि ये बंदा ऑनलाइन है। मैं किसी पर्सनल बंदे से या किसी दो चार बंदे से छुपाना चाहता हूं, तो आप लोग वहां पे सेलेक्ट करके देख सकते हैं। यहां पे देखिए कंट्रोल योर ऑनलाइन प्रोसेस, मतलब आप ऑनलाइन हैं या नहीं है, ये कितने देर पहले थे, किन किन को दिखाना चाहते हैं, तो कमाल का है। चलिए जानते हैं सेकंड। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपको कोई भी आलतू फालतू ग्रुप में ऐड कर देता है, अब उस ग्रुप से आप लीव होते हैं, तो वहां पे एक ऑप्शन आ जाता है कि आप ग्रुप से लीव हो चुके हैं, एग्जिट दिस पर्सनल, मतलब आ जाता है ना कि आप ग्रुप से बाहर हुए हैं, तो वो अब नाम नहीं आएगा। आप किसी भी ग्रुप से साइलेंटली निकल पाएंगे, जैसे बहुत सारे ग्रुप है, आप उस ग्रुप से रिमूव होते हैं तो सभी को पता चल जाता है कि ये बंदा रिमूव हो चुका है, फिर आपको कोई ऐड कर देता है। तो वैसे में दोस्तों अब आप साइलेंटली लीव कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप के ग्रुप से। थर्ड, खासकर लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। दोस्तों बहुत बार होता है कि हम किसी को फोटो भेजते हैं, आपको पहले ही अपडेट मिल चुका था कि बीप्स वन, मतलब कि जब आप किसी को फोटो भेजते हैं तो सिर्फ एक ही बार देखे सेलेक्ट करके भेज देते थे, बट वो जब फोटो खोले देखे अब तब स्क्रीनशॉट ले ले। ऐसा क्वेश्चन बहुत लोगों ने मेरे से पूछा, तो अब ये क्वेश्चन का जवाब आ चुका है कि आपका कोई फोटो का स्क्रीनशॉट लेता है जब आपने किसी को फोटो भेजा है, जैसे स्नैपचैट में होता है कि आपका कोई फोटो का स्क्रीनशॉट लेगा तो उसको लिखा हुआ आ जाता है कि आपको इस व्यक्ति ने फोटो पे स्क्रीनशॉट लिया है। जैसे देखिए यहाँ पे आ जाएगा स्क्रीनशॉट वाज ब्लॉकड फ्रॉम एडिट प्राइवेसी, मतलब आप लोग ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका कोई उस फोटो का स्क्रीनशॉट ले या ना ले। तो काफी कमाल का अपडेट लगा मुझे दोस्तों ये, कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को फोटो भेजते हैं, जैसे वन मोन्स का पहले ही ऑप्शन आ चुका था, बट उसका कोई फायदा नहीं था, क्यों हम किसी को वन मोर पे क्लिक करके भेजे तो वो क्या होता था, वो स्क्रीनशॉट ले लेता था, बट अब वो स्क्रीनशॉट लेगा तो आपको पता चल जाएगा। तो काफी कमाल के तीन अपडेट है जो बहुत जल्द नॉर्मल व्हाट्सएप यूजर के लिए बहुत जल्द ये अपडेट मिलने वाला है। बीटा वर्जन को मिल चुका है, तो जाकर आप लोग बीटा वर्जन यूज कर सकते हैं और इन फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 वीक में आप लोग सभी व्हाट्सएप यूजर को मिल जाएगा। दोस्तों ये एक्चुअली मैंने, ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, इन्होंने अपने स्टोरी पे लगाया था, तो वहां से मेरे को पता चला तो मैंने आप लोगों को बताया। तो दोस्तों ये अपडेट मिले नॉर्मल व्हाट्सएप यूजर के लिए जब आएगा तो सबसे पहले आप लोगों को पता चल जाए, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे मैं ऐसी कोई भी वीडियो लाए तो आप लोग मिस ना कर पाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनती है, वीडियो फटाक से लाइक कर दो, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है टेक्निकल गोविंद इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो, जब तक बंदे मातरम।